guys, welcome back to my YouTube channel and another vlog. So today is 24th of February. मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी. सो आज मैं डिनर में बना रही हूँ शाही मटर मखाना रेसिपी, जिसमें मैं मखाने की सब्जी बना रही हूँ बेसिकली. लेकिन आई एम ऑल्सो एडिंग पनीर, बिकॉज सब लोग घर में मखाना खाना प्रेफर नहीं करेंगे. सो आई एम एडिंग पनीर ऑल्सो. सो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कोई रेसिपी देखी है मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ. तो मैं जिनकी रेसिपी देखी बना रही हूँ वो भी वीडियो में लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो मैं बना रही हूँ वो भी आप लोग देखिएगा. सो येस, आई होप यू एंजॉय. तो चलिए चलते किचन में एंड बनाते सब्जी. काफी लेट हो गया है, मुझे आधी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, बट या तो चलिए चलते किचन में. तो ये है प्याज, इसमें मैंने जिंजर एंड बहुत सारा गार्लिक भी डाल लिया है, एंड ये है टमाटो. तो अब इनके साथ हम जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी से. तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, काफ़ी बड़ी साइज़ की है. इसमें मैं यूजुअली अपनी सब्जियाँ जो बनाती हूँ, काफ़ी हेल्दी रहता है आई थिंक कढ़ाई में बनाना, आई डोंट नो. तो चलिए कढ़ाई में डाल लिया है मैंने तेल. तेल मैंने लिया है सरसों का, ये हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी बनता है इसमें खाना. उसमें हम डालेंगे थोड़े से गर्म खड़े मसाले. मैंने डाला है तेज पत्ता, दालचीनी, एक्स्ट्रा अनियन, जीरा और हींग, और इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा चटकाएँगे. एंड यस, तो ये जो वीडियो है टाइमलेस पे चल रही है, इसलिए सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है. तो यहाँ पे ये रफली चॉप्ड किया हुआ अनियन है, जिंजर गार्लिक है. तो यस, जिंजर गार्लिक मैंने बहुत सारा लिया है क्योंकि मैं पेस्ट नहीं डालने वाली हूँ, और ज़्यादा लोगे तो टेस्टी बनता है. लाइक बाहर की सब्जी में आपने देखा होगा जिंजर गार्लिक का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, दैट्स वाई मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रेफर करा है इसमें. और अनियन को हमें 50% कुक करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे से कुक करिएगा. उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे टमाटो एंड काजू. हाँ, तो मैं इस वीडियो मतलब इस रेसिपी में काजू भी डालने वाली हूँ. कुछ मैं डालूँगी इस पेस्ट में जो कि ग्राइंड होंगे, ये रहे काजू मैं ले आई हूँ. तो कुछ मैं टमाटर के साथ डाल दूँगी इसी में क्योंकि वो ग्राइंड हो जाएंगे, एंड इसमें से मैं थोड़े से बचा लूँगी लास्ट में सब्जी में डालने के लिए. टमाटर मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि ग्राइंड करना है, एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे. टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉल्ट. तो सॉल्ट का है ये रहा. अच्छा, काजू, हाँ पहले काजू डाल दिया है मैंने. काजू और जो भी सब कुछ है हम उसको मिक्स कर लेंगे. ये मैंने थोड़े से बचा के रखे बाद के लिए. तो अभी हम डालेंगे इसमें सॉल्ट. अभी जो हमारा ये जो भी है मिक्सचर, ये जल्दी पक जाएगा. ये टाइमलेस में आपने देखा पक चुका है ऑलमोस्ट. अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी एंड थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीस लूँगी. ज़्यादा गर्म पीसूँगी तो थोड़ा सा डर रहता जलने का, इसलिए सेफ्टी रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा इसे ठंडा करके ही पीसूँगी. तो इसको एक बर्तन में निकाल के हम साइड में रख देंगे. तो ये हमारा मिक्सचर साइड हो गया है. चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है. इस घी में मैं करने वाली हूँ अपने जो मखाने हैं उनको रोस्ट, क्योंकि सब्जी में ऐसे ही डालूंगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा सॉगी फ्लेवर आएगा. वैसे तो सब्जी में सॉगी हो जाने, बट रोस्ट करके थोड़ा और अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा. सो ये छोटा सा स्टेप है, कर लीजिएगा, सब्जी टेस्टी ही बनेगी. वापस से हमारी पुरानी कढ़ाई पर आते हैं. इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है, एंड इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे अच्छे से. अच्छा, ये मसाला मैंने पीस लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, मैंने जितने भी खड़े मसाले थे उनको भी पीस लिया था. तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा, खड़े मसाले नहीं पीसने हैं, उनको निकाल के ही आपको बाकी की चीज़ें ग्राइंड करनी है. सो ये एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, आप मत करिएगा. साथ ही मैं कुछ मटर ले रही हूँ, बॉयल करने के लिए रख रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी कुक हो जाए, उसके बाद बाकी की जो होंगी वो सब्जी में कुक हो जाएंगी. तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर, एंड इससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी सब्जी में, एंड थोड़ा सा स्पाइसीनेस तो नहीं स्पाइसीनेस बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ा सा कलर ही आएगा. एंड ये बाकी का जो भी ग्रेवी मैंने बनाई थी ग्राइंड करके वो मैं डाल दिया है. एंड फटाफट इसे चलाइए क्योंकि जल सकता है, जो मिर्ची का मसाला वो जल सकता है. तो उसको फटाफट से चलाना है, मिक्स करना है अच्छे से, एंड पकाइए इसे, मतलब बढ़िया तरीके से पकाना है. बचा बुझा मसाला भी पोंछ पाछ के डाल दीजिएगा. उसके बाद इसी बर्तन में पानी डाल के घुमा के उसको भी डाल दीजिएगा. एंड यस, देखा. सो काफ़ी देर पकाने के बाद बबल्स आ गए हैं. बबल्स आते ही मैंने इसमें मसाले डालना चालू कर दिया है. मैंने डाला है सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, एंड अच्छे से मिक्स किया है. उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हरा धनिया डाला है, कसूरी मेथी डाली है,
तो यार ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी शूट हो गई है, बट मैं बता देती हूँ ये सब चीज़ मैंने डाली है। मटर हमारी बॉयल हो गई थी वो भी मैंने डाल दी है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, कुक होने देंगे। एंड फ्लेम इस वक्त मेरी शायद मैंने मीडियम रखी हुई थी, ज़्यादा मद्दी भी नहीं रखनी है और एकदम फुल भी नहीं रखनी है, मीडियम ही रखो थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा है। एंड अभी ये ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी जो है तैयार होने ही वाली है, लेकिन मुझे थोड़ी गाढ़ी लगी तो मैंने पानी ऐड किया है। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ज़्यादा पतली सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती है, गाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। एक्चुअली अभी इसमें मैं मखाना ऐड करूँगी ना, उससे क्या है कि सब्ज़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही पानी ऐड करके पका लिया था अच्छे से। सब्ज़ी जब मेरी पक गई थी उसके बाद मैंने ये घर की ही मलाई उसमें डाली है, लाइक दूध पे से मलाई उतार के उसको फेंट के मैंने सब्ज़ी में डाला है, फ्रेश क्रीम की तरह यूज़ किया है इसको मैंने। तो ये आपको जब करना है जब आपकी सब्ज़ी पानी के साथ बिल्कुल पक जाए, ओके, पहले ही मलाई नहीं डालनी है। अभी मलाई डाल के भी मेरी सब्ज़ी में बॉईल आ गया अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये काजू जो मैंने रखे थे बचा के, एंड सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल आ रहा है। उसी टाइम पे मैं ये बाकी के स्टेप जो है फॉलो कर रही हूँ, लाइक काजू डाल दिए एंड ऑल। क्या रो रही है बाहर, ये मेरा दूसरा तीसरा वॉइस ओवर है ताकि पीछे से शो ना है, बट स्टिल या। तो चलिए मखाने मैंने ऐड कर दिए हैं रोस्ट किए हुए, एंड बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी में ताकि जो मखाना है वो ग्रेवी को अच्छे से सोक कर ले। एंड मैंने कहा था सब्ज़ी थोड़ी पतली रखोगे ना तो बाद में गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि मखाना जो है वाटर को सोक कर लेती है। तो यस, एंड पनीर, ओबियसली पनीर वैसे ऑप्शनल है, बट मतलब मेरे घर में थोड़ा पनीर का ज़्यादा शौक है सबको, तो मैंने पनीर भी ऐड कर दिया। मखाने इतना मेन रोल निभा नहीं पाएंगे मेरे घर में, तो मैंने थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया। एंड ये थोड़ा सा बटर, बटर से ऑब्वियसली टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, अगर नहीं है तो मत डालिए, ऑप्शनल है, बट मुझे बटर थोड़ा अच्छा लगता है सब्जियों में, बहुत ही मार्केट जैसा टेस्ट आता है, सो दैट्स व्हाई। एंड ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है गाइस। तो मैंने थोड़ा सी देर और पकाया बटर डालने के बाद, एंड उसको बर्तन में निकाल लिया है, क्रीम से डेकोरेट कर दिया है, एंड इट टेस्ट अमेजिंग गाइस। लाइक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, लाइक घर में सबको अच्छी लगी, मुझे पर्सनली नहीं, घर में सबको बहुत अच्छी लगी, इवन मेरे फादर इन लॉ को बहुत अच्छी लगी। वो यूजुअली इस तरीके की सब्जियां खाते नहीं हैं, बट ही सेड की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। थोड़ा सा आप इसे स्पाइसी की तरफ रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यस गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए गुंडे साथ ब्लॉग्स एंड रेसिपी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।